अचानक चमक गया बादल। अरे ये क्या हुआ, ये अचानक चमक गया बादल, कहीं नहीं रंग मिल जाए तो चमक गया बादल। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पेशाब से हमारे यार टपक के कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ कि अचानक चमक गया बादल, हुसैन रंग मिला तो चमक गया बादल। चमक के फूलों से तू खुशबू लेता है, क्या है नबी का नाम जो लिखा मार गया बादल। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पेशाब से डिस्टर्ब करता। अभी भी आपके सामने अफजाल साहब बड़ी प्यारी आवाज में नाते नबी को गुनगुना रहे थे, आप तो मगन हो रहे थे, गोया आपको जो है करबला के रंग में रंग रहे थे और यूं कह रहे थे कि इस्लाम को सजाने तस्वीरें करबला में। अरे सुभान अल्लाह, तस्वीरें करबला में, अरे इस्लाम को सजाने तस्वीरें करबला में, और पतले हुसैन जिंदा नामे हुसैन। अरे सुभान अल्लाह, कतले हुसैन जिंदा नामे हुसैन जिंदा। तरफ के हमारी क्या जोर से, हमको लगता है नोटबंदी का असर आपके ऊपर भी आ गया, लेकिन हमारे मुसाफिर साहब मुसाफिरत में है, जल्दी इनके ऊपर कोई असर नहीं। अल्लाह करे कि आप लोगों को भी कोई असर ना हो, ऐसे ही मुसाफिर बने रहे, रहे जाते रहे। मेरा भी काम बनता रहे, आपका भी बनता रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब भीड़ लेके पहुंचे दरबार करबला में, कतले हुसैन जिंदा नामे हुसैन जिंदा, कतले हुसैन जिंदा नामे हुसैन जिंदा, ये खून से लिखी है तहरीर करबला में। बेशक सुभान अल्लाह, लेके पहुंचे शब्बीर करबला में। वाह वाह, अजीज आने मिल्लत इस्लामिया अभी अभी जनाब अफजाल साहब से बड़ी प्यारी आवाज में नाते नबी समात फरमा रहे थे दोस्तों, लेकिन अभी तैयार हो जाइए, नाते नबी और तकरीर का बड़े ताल्लुक और मोहब्बत उनसियत लगाओ बड़ी बेहतरीन है, लिहाजा उसी मोहब्बत और उनसियत लगाओ और आप कुछ है बरकरार रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि नाते नबी के बाद तकरीर दौर चलाए। इसके लिए आपके सामने एक बेहतरीन खतीब, एक बेहतरीन मुकर्रर सुनने के मूड में है ना जी, हमारे यार जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो बैठे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरी नजर बड़ी दूर तक है, अभी खाटे हुए मालता हुआ माजमा रोडों पे नजर आ रहा है, भाई सभी लोग अभी आ रहे हैं, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना जिंदा दिली का सबूत पेश करते रहे और जिंदा दिल हो करके बैठे और इसी तरीके से आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे और मेरा साथ देते रहे। खामोशी आ गई है, जरा जिंदा दिली का सबूत दे, एक बार नारा लगा दे, नारे तकबीर नारे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोना जो है ना जो आ रहा है, लग रहा है उधर से ठंडी हवाएं उन्हें सर्द कर रही है। दोस्तों आप सब से मैं कहूंगा कि हमारे यार जोर से नारा लगाओ दोस्तों, अरे कुफ्र की धरती हिलाओ दोस्तों, सुभानअल्लाह जोर से नारा लगाओ दोस्तों, अरे कुफ्र की धरती हिलाओ दोस्तों, पिचक के नारे तकबीर से सोने वाले को जगाओ दोस्तों, सुभानअल्लाह। लेकिन मैं ऐसे खतीब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिन्हें जिनकी तकरीर सुनने के बाद आप खुद अंदाजा करेंगे कि हमारे कुर्ब जवार में ही मदरसा जो कायम है उसी में तालीम देने वाले वो शख्सियत जिनके बारे में मैं बता दूं कि हजरत अल्लामा अकील साहब मिसबाही जो पैदा हुए बस्ती के सर जमीन पे, पैदा हुए बस्ती के सरजमी पे तालीम हासिल की हिंदुस्तान के अजीम मदरसा मुबारकपुर यूनिवर्सिटी में, और इनके शादी भी हुई पटरौना में, और आप आज खिताब करेंगे आपके यहाँ मेहमिया जमुनिया टोला में। अब इसके बाद ये देखना है कि इनका इंतकाल कब होगा।
दोस्तों इसलिए मैं कहूंगा कि आप हजरत या हजरत उस शख्सियत की तकरीर सुनने के लिए आप फिर से तैयार हो जाएंगे। एक बार शानदार शानदार आवाज में इनका इस्तकबाल करें, नारे तकबीर और नारे रिसालत से अब्बा से भर नारा लगाए, नारे तकबीर हाथ नहीं उठाएंगे, मैं कहता ही जाऊंगा नारे तकबीर माशाल्लाह माशाल्लाह के शमशो कमर आ रहे हैं, शरीयत के लालो गुहर आ रहे हैं, के शमशो कमर आ रहे हैं, शरीयत के लालो गुहर आ रहे हैं, मेरे पत्र में आज की नूरी शहंशाह इल्म हुनर आ रहे हैं।